ये हमारा आ गया पार्सल, बहुत ही बड़ा डब्बा है भाई। स्ट्रैप है साइड से, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तू दिख रहा है, तेरा मुंह दिखेगा इतना दूर में। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज सोनू राजकुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर के राइट। अभी टाइम हो रहे हैं दोपहर के 3:05, तो गुड आफ्टरनून सबसे पहले। और आज 6 मार्च है और आज रामनवमी है, और साथ ही जो भाई लोग रोजे में हैं उनके लिए रमजान मुबारक। ब्लॉग जो होने वाला बेसिकली एक अनबॉक्सिंग है, जो कि टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस चीज़ का अनबॉक्सिंग है। अगर नहीं भी समझे तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो पूरा देखिए। और मेरे साथ हैं एक गेस्ट जिनका जो मेरे साथ ही अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, और मुझसे कई ज़्यादा उनको नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में। तो मैं चाहता हूँ कि वो हमारे वीडियो में आएँ और अपना इंट्रो दें। तो मैं बुलाना चाहूँगा सबसे पहले अपने गेस्ट को, नाम मुझे पता है, बाकी वो अपने बारे में खुद बताएंगे। तो प्लीज़ आइए विप्लव भाई मेरे। गेस्ट नहीं, पंटर वर्क पंटर हो पंटर। सो हेलो गाइस, तो की हाल चाल है, सब बढ़िया होंगे अपने अपने लाइफ में। मी विप्लव बावरी, फाउंडर ऑफ राइडर विप्लव। तो अच्छा स्वागत करते हैं हम दोनों का चैनल पे, जिसका चैनल का नाम है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग हम दोनों ने मिलकर किया था, जो कि प्लान था। बट वीडियो रिकॉर्ड करते समय ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हम लोग के सामने आई, जो कि आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। और हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मौज मस्ती की यहाँ पे। तो आप देख सकते हो विप्लव बोल रहा है, बट कैमरे के पीछे कोई और नहीं था, हम लोग दो ही जन थे। किसी तरह से कैमरा एंगल सेट किया था, और जिसमें से जब विप्लव बात कर रहा है तो उस टाइम उसका पूरा फेस ही कट गया। चाकू लेके आए हम लोग, इसको अनबॉक्सिंग करके इसलिए हम लोग लाए हैं घर से, सब्जी और फल काटने वाला वही चाकू छोटा सा। रामपुरी मिला नहीं, रामपुरी मिला नहीं, इसलिए हम लोग यही वाला लेके आए हैं। तो कहानी में एक और ट्विस्ट, विप्लव भाई हमारा है बंगाली और मैं हूँ हिंदी बोलने वाला, तो हम लोगों की जोड़ी जो है ना बहुत खतरनाक जमती है जब ये दोनों, जब ये विप्लव बात करता है वीडियो में। तो हम लोग काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं एक दूसरे का, क्योंकि मुझे बंगाली सही से नहीं आती, उसे हिंदी नहीं आती, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं। बधाई हो को बधाइयां हो वो बोल रहा है। तो आज है 30 मार्च और सबको रामनवमी का बहुत बहुत बधाइयां हो, और जो लोग रमजान कर रहे हो उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आराम से सब कुछ अपना अपना फेस्टिवल जो है अपने अपने तरफ से आप लोग मनाते रहे, और हम लोग भी करते हैं इसको अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोला तूने, राइनॉक्स। अच्छा, तो राइनॉक्स का सैडल बैग हम लोगों ने ऑर्डर किया है। हम लोग पहले 1 सेट ऑर्डर किया है, क्योंकि हम लोग इसको अच्छा से अभी देखेंगे परखेंगे, उसके बाद यही वाला जो सेम टू सेम हम लोग दूसरा ऑर्डर करेंगे। सो ये ऑर्डर किया है हम लोगों का सोनू भाई ने अमेजोन से, राइनॉक्स जो सैडल बैग है। और ये सैडल बैग करीबन समथिंग 5,500 रुपये का दाम हुआ है, और ये है दोनों साइड का सैडल बैग, जो कि कुछ दिन पहले इसने सैडल स्टे बना लिया था, और उसका सैडल बैग भी आ चुका है राइनॉक्स का तरफ से, जो कि ये है 25 लीटर का, और 7 लीटर एक्स्ट्रा मिलता है, जो चेन को अनचेन करके बढ़ा सकते हैं आप लोग। तो जैसे कि मैंने विप्लव को बताया था कि इसको बहुत ज्यादा ही नॉलेज है इन सब चीजों के बारे में, और ये अपना नॉलेज यहाँ पे उल्टी करने लगा। मुझे लगा था कि ये बहुत ज्यादा बोल रहा है, इस वजह से मैंने बीच में इसको टोक दिया और मैंने कमान अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि ये सारा फीचर्स आपको अनबॉक्सिंग करने के पहले ही बता देने वाला था। तो मैंने सोचा नहीं, पहले अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद सारा चीज एक एक करके बताते हैं। तो एक्सटेंड कर सकते हैं बेसिकली, जो उसका साइज है उससे 7 लीटर हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, फटाफट करते हैं इसको अनबॉक्सिंग, फिर आपको अच्छे से समझाते हैं। ये है हमारा रामपुरी आज का, और चलिए इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। फाड़ना किधर से देख लो, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर हमें इसको रिटर्न भी करना है। अनबॉक्सिंग करने की एक्साइटमेंट तो हम दोनों की एकदम बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन मुझसे भी ज्यादा विप्लव को था, क्योंकि हम लोग इन सब चीजों का एक एक करके इतनी जुगाड़ करके इतना मेहनत करके हम लोग अचीव कर रहे थे धीरे धीरे, कि रहा नहीं जा रहा था। जब भी ये पार्सल आया था सुबह, तभी मेरा मूड बन गया कि मैं देख लूं फाड़ के, लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि एक अनबॉक्सिंग तो वीडियो बना ही सकते हैं। तो इस वजह से, और आप लोग एक वीडियो में देख भी सकते हो कि मेरे से ज्यादा एक्साइटेड तो विप्लव है। तो ऐसे फाड़ो, ऐसे 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 फाड़ो, मेरे से इंतजार नहीं हो रहा है, जल्दी फाड़ो, कहां से फाड़ना है।
वेट वेट वेट, पल्स चेक करना पड़ेगा इसके किधर से। पहले इसको पन्नी उतारते हैं। मैं नोज नाच के फाड़ लूंगा इसको। अच्छे से पन्नी उतारते हैं, उसके बाद समझ में आएगा किधर से एक्चुअली ये है। बस ज्यादा नहीं खाना इसको, यहाँ उठा ले भाई, बहुत ही भारी लग रहा है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग अनरैप कर रहे हैं और बढ़िया क्वालिटी के साथ आया है अमेजोन से। जो अमेजोन का जो ये व्हाइट वाला जो रैपिंग वाला पॉलीथीन है, इसको हम लोग अनरैप कर रहे हैं। उसके बाद आप लोग देखिएगा जो राइनोक्स का बैग है वो किस तरह रियल पैकेजिंग होके आया है राइनोक्स का तरफ से। सो इसको भी हम लोग कर लेते हैं अनबॉक्स। तो इसको पहले हम लोग साइड कर लेते हैं। ओके भाई, बैग तो काफी बड़ा लग रहा है। चलो प्यार से इसको खोलेंगे हम लोग। तो देख सकते हो ये हमारा पैकेट निकल के, बॉक्स निकल के आ गया उस रैप से। और करते हैं इसको भी फटाफट अनबॉक्सिंग। लगा दो, लगा दो। हाँ कटा ले भाई। ये ओ भाई साहब, एक्साइटेड हो? फर्स्ट लुक दिखा देते हैं किस तरह पैकेजिंग होके आया है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग किस तरह पैकेजिंग होके आया है। और थोड़ा सा क्लोजअप करके आप लोगों को अगर दिखाए तो आप लोग और बढ़िया से देख पाओगे, देख सकते हो। तो इस सैडल बैग का नाम है नॉम सैडल बैग, जो कि फुल्ली वाटर प्रूफ नहीं है, सेमी वाटर प्रूफ है। और इसके साथ मिलता है वाटर रैन, जो इसका वाटर कवर है वो। सो एक एक करते इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले ये लेफ्ट वाला हम लोग निकाल के, ओ भाई साहब क्या क्या है, दोनों को भी फाड़ दो। अभी हम दोनों नूब नजर आ रहे हैं, कोई प्रो प्लेयर नहीं है यहाँ पे। और फर्स्ट टाइम हम दोनों मिलके अनबॉक्स कर रहे हैं किसी चीज को, इसलिए आप लोग मजा लीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो माल की देख। तो ये जी है हमारा बैग, इसको करते हैं प्लास्टिक से बाहर। ओ भाई साहब ये तो काफी शानदार है भाई। और आप ले, ये तो काफी प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है देखने में। एक्चुअली है भी राइनोक्स, काफी अच्छी कंपनी है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो राइनोक्स का बैजिंग मिलता है। और ये जो यहाँ से स्ट्रैप दिया है जो रिफ्लेक्टर का काम करता है रात में अगर लाइट पड़ता है तो। और यहाँ एक पकड़ने का दिया है और जिसका स्ट्रैप है साइड से ये आप लोग। तो यहाँ पे अचानक मुझे याद आता है कि शायद इसका फेस कैमरा में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा नजदीक आ गया था कैमरा का और हमारा जो कैमरा है वो काफी ज्यादा वाइड एंगल कैप्चर कर रहा था। तो इस वजह से यहाँ पे फिर जाके मैंने कैमरा में देखा कि सच में उसका फेस रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। लोग देख सकते हो यहाँ पे, तो दिख रहा है तेरा मुंह, दिखेगा इतना दूर। हाँ ये कर लो पहले। वहीं पे ठीक था इसलिए बोले थे वाइड एंगल में, सामने इतना, इतना पास जो है ना ये वाला यहाँ से। हाँ यहाँ पे ठीक है। हाँ कितना सामान आएगा, बहुत छोटा नहीं है। तो फाइनली इसको निकाल लिए, अब इसके प्लास्टिक को हटाते हैं। इसके बाद ये तो उल्टा खुल दिया हम लोगों ने, कोई बात ना, कोई बात नहीं, सीधा हो जाएगा। तो ये है इसका फाइनल लुक। और अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, काफी ज्यादा स्ट्रैप लगे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं लॉक इस बैग के बारे में थोड़ा बता देता हूं। तो आप लोग देख रहे हो यहां पे राइनोक्स का बैजिंग मिलता है और यहां जो आप लोग देख रहे हो ये व्हाइट सा स्ट्रैप, ये जो है रात को लाइट पड़ने पे रिफ्लेक्टर का काम करते हैं। और बैग पीछे साइड का सीधा तरफ आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मिलता है एक बॉटल होल्डर, जो आराम से आप लोग टू लीटर का वाटर बॉटल आराम से लगा सकते हो। और ये है इसका बैक साइड, जो कि ये रहने वाला है सैडल स्टे का ऊपर। तो सैडल स्टे का ऊपर अगर ये रहने वाला है तो ऊपर से बड़ा वाला एक स्ट्रैप भी है, जो कि ये ऐसे करके अनमाउंट होता है। और तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। और इस चेन को खोलेंगे तो इसका अंदर भी बहुत सारा स्ट्रैप निकलेगा, जो सैडल स्टे के साथ हम लोग इसको अच्छी तरह ग्रिपिंग करके अटैच कर सकते हैं। और धीरे धीरे हम लोग इसका चैन को अनचैन करके भी देखेंगे, इसका वॉल्यूम देखेंगे कितना वॉल्यूम तक ये फैल सकता है और कितना तक हम लोग इस पे कपड़ा हो या हम लोगों का सामान हो वो सब अंदर डाल के लेके जा सकते हैं। और बात तो सही है। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं कि और भी कुछ है या सिर्फ बैग हम लोगों को मिला है।
तो इसका मेन चेन कौन सा है? ये वाला साइड ये है। तो यहाँ पे इसको पहले करते हैं स्ट्रैप को अनलॉक। चलो ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दो जिप दिए गए हैं, तो ये दोनों तरफ से खुलता है, एक इधर और एक इस साइड, और ये निकलता है हमारा फाइनल। सो जैसे कि आप लोग अंदर का इंटीरियर देख रहे हो तो ये रेड कलर का आता है और बाहर आता है ब्लैक कलर का। और जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट में बता दिया था कि ये है इसका रेन कवर जो राइनोस का तरफ से ब्रांडिंग होके आता है। आप लोग देख सकते हो इसका ब्रांडिंग और काफी प्रीमियम क्वालिटी का साथ ये आता है। और अंदर और एक और मिल जाता है स्ट्रैप जो कि शेडल स्टे में हम लोग अच्छी तरह अटैच कर सकते हैं इसको, पूरी तरह से पैक अच्छे से बांध सकते हैं इसको, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। एक्स्ट्रा हम लोगों को बंजी कोड लेने का जरूरत नहीं है, सारा कुछ इसी में है। सो आप लोग देख सकते हैं इधर भी रेड कलर का इंटीरियर दे चुका है। और थोड़ा अगर पास आके मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ आप लोग आराम ब्रश कॉलगेट कुछ भी हो आप लोग आराम से रख सकते हो। और ये है इसका पूरा वॉल्यूम। और अभी तक राइट साइड का सेडल बैग अनबॉक्स कर रहे थे, आप करेंगे जो लेफ्ट वाला बैग रहता है वो। सो लेफ्ट वाला बैग में तो कुछ बताना नहीं है, सब कुछ सेम ही है। और जैसे कि हम लोग यहाँ पे इसको खोल रहे हैं और ये भी एक बढ़िया सा लुक दे के आ रहा है। दोनों बैग सेम है, दोनों एक पेयर में ही आता है। तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं, सब कुछ तो इसके बारे में बता ही दिया। और अब करेंगे इसको हम लोग गाइस जो हम लोग का रानी है, रानी का ऊपर इसको सेडल स्टे में सेडलिंग करेंगे इसको और देखेंगे कि कैसा लगता है, लुक आता है। सो लेट्स गो। फाइनली हमारा सैडल बैग जो है वो रेडी हो चुका है और अच्छी तरह से बाइक पे माउंट हो चुका है। इसमें तीन स्ट्रैप थे, तो तीन स्ट्रैप को बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, जिसको आप बाइक पे जब भी इसको बैग को लगाएंगे तो उसको अच्छी तरह से माउंट करना होगा। क्योंकि अगर आप बाइक पे चलोगे बिना स्ट्रैप को अच्छी तरह से टाइट किए हुए तो बैग क्या होगा ना, आपस में उछलेगा, जब भी जर्किन में आओगे तो बैग ऊपर नीचे होगा। तो उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सही तरीके से लगाने का। तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कौन सा स्ट्रैप कहाँ लगना है। तो चलिए सबसे पहले दिखाते हैं आपको फर्स्ट स्टेप। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे दोनों सेडल बैग जो है हम लोगों ने अच्छी तरह माउंट कर दिया है। बहुत मशक्कत का बाद हम लोगों ने इसको माउंट किया है। लास्ट ऑफ द एंड हम लोगों को देखना ही पड़ा राइनोक्स का वो वाला वीडियो कैसे माउंट होता है। सो इसमें मिलता है, जैसे कि आप लोगों को बताया सोनू भाई ने, तीन गो स्ट्रैप मिलता है। तो तीनों स्ट्रैप कहाँ कहाँ माउंट हुआ है वही चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो थोड़ा पास आने के बाद आप लोग देखिएगा, जो ये वाला जो स्ट्रैप है ये फिक्स मिलता है इस बैग का साथ ही, जो कि आप लोग इसको यहाँ से ऐसे करके माउंट कर सकते हो। और ये वाला जो और ये फर्स्ट एंड सेकंड वाला जो स्ट्रैप मिला है ये भी बैग के साथ मिलता है अटैच किया हुआ। सो इसको भी आप लोग ऐसे इस तरह वाला स्ट्रैप देके आप लोग ऐसे आराम से इसको लगा सकते हो। मेन सपोर्ट बोला जाए तो यही वाला है गाइस दूगो, और ये वाला एक तो रहा। और बाकी बात जो एक्सटर्नल सपोर्ट मिला था वो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे जो है मिलता है ये जो लॉक, इस लॉक के साथ ये वाला स्ट्रैप को अटैच करके जैसे हम लोग पीठ में बैग बांधते हैं तो लेके जाता है कैसे, उस तरह करके आप लोग इसको आराम से ऐसे टाइट कर सकते हो। एक तो ये रह गया फर्स्ट वाला स्टेप। सेकंड स्टेप मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं जो बॉटल होल्डर है, बॉटल होल्डर का सामने जो ये वाला लॉक आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला स्टेप इसके साथ बाइक का जो चेची का साथ जो साइड वाला माउंट है उसमें आप लोग आराम से लगा सकते हो। सेकंड स्टेप हो गया। और दूसरा वाला बैग पे भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बॉटल होल्डर के पास आराम से ये भी स्टेप देख गया है, तो दोनों आराम से एक ही तरह रिपीट होके लग जाता है। तो तीन को स्टेप मिलता है एक्सटर्नल, वो आराम से आप लोग इसको लगा सकते हो। सो स्टेप का पोजीशन आप लोगों को दिखा दिया है। और ये वाला स्टेप दिया है इस कारण क्योंकि अगर आप लोग बाइक को लेल एंगल पर चलाते हो या फिर कोई जार्किंग आता है सो ये बैग ऐसा करके उछलता है, ना उछले इसलिए ये जो बॉटल होल्डर के पास जो स्टेप दिया है गाइस, इसलिए सेकंड वाला स्टेप जो है ये भी दिया है। सारा स्टेप है जो कि अपना अपना अहम भूमिकाएँ निभाते हैं यहाँ पे। सो इसी के साथ स्टेप यहाँ पे बांधना ख़त्म होता है।
और तो विप्लव भाई को दे दिया हमने यहाँ पे ब्रेक, क्योंकि काफी ज्यादा उन्होंने बताने की कोशिश की और उसके कारण वो थोड़ा उनका सांस फूलने लगा। तो अभी आगे का कहानी मैं बताता हूँ। तो देख सकते हो बाइक के साथ ये लंबा एक स्टेप देख रहा होगा। जब आप बाइक को अनसैडल करते हो यानी बाइक से अलग करते हो या फिर स्टे करते हो, बाइक से आपको उतारना पड़ता है और कुछ ज़्यादा दूर तक अगर आपको डिस्टेंस कवर करना है, पैदल चलना है, तो आराम से दोनों बैग आप जैसे नॉर्मल एक सिंगल बैग टांग के पीछे साइड लटका के जाते हो वैसे जा सकते हो। हैंडल भी है, उस तरह से भी उठा सकते हो। बट हम लोग ट्रेवलर हैं भाई, और हम लोग जब ट्रेवल करते हैं तो हमारे साथ बहुत सारा लगेज होता है, तो उसको कैरी करने के लिए इसमें जितने भी सारे स्टेप दिए गए हैं इस सबका बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, आप सिंगल भी हो अकेले भी राइड कर रहे हो तो आसानी से इसको कैरी कर सकते हो। साथ ही हमें मिला है यहाँ पे दो रेन कवर, तो इसको भी हम लोग एक बार माउंट करके यानी कि लगा के देख लेते हैं कि इसको लगाने के बाद कैसा लुक आता है। तो चलिए इसको लगाते हैं फटाक से। तो सबसे पहले मुझे जो दिख रहा है इसके ऊपर, ये एक लोगो है राइनोक्स का, तो मेरे ख्याल से ये लोगो ऊपर होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसा लग जाएगा रेन कवर जो हमारा है, और ये अच्छे तरीके से फिट भी हो गया, तो ऐसा कुछ लगने वाला हमारा रेन कवर। थोड़ी सी फिटिंग आई थिंक मुझे लग रहा है कहीं से गड़बड़ है, लेकिन लगना तो ऐसे ही, क्योंकि ये सीधा राइनोक्स का लोगो आप देख सकते हैं पूरी तरह से सीधा है, और इसका एंगल जो है ये जो पोस्चर है बैग का उसके साथ मैच भी कर रहा है। तो थोड़ा बहुत लूज हो सकता है क्योंकि अभी ये बैग खाली है हमारा, सैडल बैग पूरी तरह से खाली है। जब इसमें हम लोग कपड़े वगैरह या सामान भर देंगे तो ये थोड़ा एक्सटेंड होगा और ये पूरी तरह से फिट हो जाएगी। और सेम इसी को सेकंड वाला भी उधर लगा देंगे तो सेम ही लगते हैं, तो दोनों लगाने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जब इतना कुछ कर लिया तो इसको भी फिट कर ही देता हूँ। तो ये जी है हमारा राइनोक्स का लोगो, दोनों तरह से लग गया और ये परफेक्टली बैठ गया। तो घर में बहुत ज़्यादा धूप ही है, उसके वजह से थोड़ा सा सांस फूल रहा है, तो चलिए उस चीज़ को इग्नोर मारते हैं और थोड़ा सा देखिए आप हमारी तरफ से सिनेमैटिक झकास वाला जो कि हमारे विप्लव भाई ने। अनबॉक्सिंग अभी ख़त्म नहीं है, तो एक और बॉक्स है जिसको अनबॉक्स करना बाकी। ये बड़ा वाला तो ख़त्म हो गया, अब मेरे हाथ में एक छोटा, तो इसमें देखते हैं क्या है। ऐसे मुझे तो पता है बट आपको दिखाना है, तो चलिए इसको करते हैं। हालांकि मैंने एक बार पहले ही कर दिया था इसको, लेकिन सोचा कि फिर से दिखा दें। तो ये कुछ खुलता है और सबसे पहले इसमें आता है ये कुछ बिल, जिसका हमें फिलहाल तो ज़रूरत नहीं है बट अभी रख लेते हैं, क्या पता डिफेक्ट अगर आ गया प्रोडक्ट तो वापस ना करना पड़ जाए। इसको रखते हैं यहाँ पे और खोलते हैं। तो ये है बेसिकली हमारा कैमरा का बैटरी, तो एज ए कैम जो हम एक्शन कैमरा यूज़ करते हैं उसका ये बैटरी है बेसिकली, और ये 1000 mAh का आता है जो मुश्किल से 30 मिनट बैकअप देता है, तो बहुत ही कम है। तो दो महीने पहले भी मंगाया था और एक ये तीसरा या और एक कैमरा के साथ, यानी कि हमारे पास टोटल 4 बैटरी हो गए, और मेरे ख्याल से अब लगता है कि काफ़ी है एक ब्लॉग अच्छा सा ब्लॉग करने के लिए। क्योंकि हम लोग जब भी ट्रिप पे जाते थे या तो हमारा फ़ोन का बैटरी ड्रेन हो जाता था या फिर कैमरा का, तो वहाँ पे जो मन हमारा है थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता था, ब्लॉगिंग से ध्यान ही हट जाता था। तो इसलिए सोचे नहीं, पहले बैटरी ज़रूरी है। तो अभी हमारे पास 4 बैटरी, ये एक है, 3 घर पे है, तो उसको भी मैंने मंगाया था बट अनबॉक्स नहीं किया था, तो एक अनबॉक्स कर दे रहा हूँ, सेम 3 बैटरी है। तो ये छोटा सा ब्लॉग था अनबॉक्सिंग और था, और आज के इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं समाप्त। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अनबॉक्सिंग हमारी थोड़ी अच्छी लगी, थोड़ा सा इस फील्ड में कच्चे हैं यानी अनबॉक्सिंग वाले में। तो जो भी अच्छा लगा हो, जैसा भी आपको लगा हो, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारा साथ यानी मेरे और विप्लव का साथ आपको कैसा लगा वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक्चुअली हम लोग ये जो लोकेशन है अनबॉक्सिंग का, तो ये बहुत मुश्किल से ढूंढा और काफ़ी जुगाड़ लगने के बाद हम लोग अनबॉक्सिंग कर रहे थे। भाई साहब एक बार हमारा ट्राइपॉड दिखा देना, टेम्प्रोरी वाला जो हम लोगों ने बनाया है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ हम लोगों का, आप लोग
ओपन वर्ल्ड स्टूडियो बोल सकते हो इसको, और यहाँ पे है हम लोगों का सेटअप। और फाइनली जो है हम लोग ये जो देख रहे हो स्टिक्स, सो ये पेड़ का लकड़िया है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे इसको ट्राइपोड किया है, और आप लोग देख सकते हो इसको कैसे हम लोग काम में लिया है। और ये रहा हम लोगों का मेन जो ट्राइपोड है, ये तो छोटा सा है इसलिए हम लोग इसको आराम से इसमें फंसा के, ओ सॉरी 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 सॉरी, गिर रहा पकड़ भाई। तो हम लोग इसको फंसा के यहाँ पे और कैमरा को ऐसा माउंट करके हम दोनों वहाँ जाके ले रहे थे। सो इतना मुश्किल लगा हम लोगों को ये वाला वीडियो शूट करने में। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आराम से जो कि है हम लोगों को वीडियो का जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और सोशल मीडिया में हम लोगों का फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए अगर आप लोगों को ये वीडियो सब अच्छा लगता है तो। और हम लोगों के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि आने वाला टाइम में हम लोग दबा के करने वाला है राइड। सो मेरा चैनल का नाम है राइड विद विप्लव, और सोनू राज का चैनल का नाम है एस आर के राइड। सो और हमारा वीडियो इंस्टा पे भी शॉर्ट्स आते हैं और फेसबुक पे भी अपलोड होता है एस आर के राइड के नाम से है, और इसका भी सेम नाम से फेसबुक पेज भी है। तो यूट्यूब के साथ साथ आप लोग फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जो यूट्यूब ज़्यादा नहीं देखते जिनको समझ में, वो हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब फॉलो एंड शेयर सब कुछ कर दीजिए दबा के, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ये बात बोलना भूल गया था, ये मैं बता दे रहा हूँ। बहुत ही जल्द हम लोगों के 1K कंप्लीट होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि हम लोग कंटिन्यू नहीं हो पाते हैं कुछ काम की वजह से, कुछ और भी ये भी अभी स्टडी कर रहा है तो इस वजह से। जब भी खाली मौका मिलता है हम लोगों को तो हम लोग आ जाते हैं वीडियो बनाने के लिए इस तरह वाला जगह में, आप लोग सपोर्ट के लिए ताकि हम लोग और अच्छे से ब्लॉग कर पाए। ये वाला ब्लॉग हम लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो मिलते हैं आप लोगों के साथ इसी तरह एक नया वीडियो में। सो तब तक के लिए आप लोग इसी वीडियो को देख के एंजॉय करिए, एंड बाय बाय, एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।